हिंदू योद्धा परिवार के संस्थापक व हिंदू योद्धा गौमाता गौशाला व नंदीशाला के संचालक चौधरी विश सिंह काम्बोज में चुनहिटी जिला सहारनपुर में जन सहयोग से बनने वाली गौशाला के भूमि पूजन में समय बताया कि गौ माता हम सब की माता है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। गाय जब तक दुधारू होती है तब तक तो पशुपालक उसे पालते हैं, लेकिन जब वह दूध देना बंद कर देती है तो उसे खुले में छोड़ देते हैं या कटने के लिए भेज देते हैं। हमें गौ माता को कटने से बचाना है। गौ माता इधर उधर न घूमे इसलिए जिला सहारनपुर में गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। चौधरी विश सिंह काम्बोज ने कहा कि किसी भी कार्य को सच्चे मन से किया जाए तो वह जरूर पूर्ण होता है और गौ माता की रक्षा के लिए बनने वाली यह गौशाला जरूर ही अपनी सार्थकता सिद्ध करेगी। जो पशुपालक अपनी गाय को पालना नहीं चाहते वे अपनी गायों को इधर उधर न छोड़ें, बल्कि उन्हें अपने ग्राम या शहर की नज़दीकी किसी भी गौशाला में छोड़ दें। भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित हिंदू योद्धा परिवार की महिला मोर्चा से वर्षा जी ने कहा कि शहर का सौभाग्य है कि गौमाता के लिए ऐसी गौशाला का निर्माण होने जा रहा है जिसके माध्यम से आप राष्ट्र का निर्माण में सहयोग करेंगे और गौमाता की रक्षा कर सकेंगे। जिलाध्यक्ष निशांत गुलाटी ने कहा कि अपनी चिंता तो सब करते हैं पर अन्य की चिंता कोई नहीं करता। जीव को और आवारा पशुओं को बचाने की अपेक्षा से यह गौशाला बन रही है। जीव मात्र को बचाने का संकल्प लोगे तो इस क्षेत्र का बहुत विकास होगा। महानगर अध्यक्ष हार्दिक वर्मा ने सभी हिंदू योद्धाओं के साथ भूमि पूजन करवाया। इस अवसर पर निशांत गुलाटी, रवि गुजर, राहुल आर्य, विशु सिंह, रविशंकर, रोहित कटारिया जिला संयोजक विश्व हिंदू महासंघ, पंकज शर्मा गौ रक्षा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष, ऋतिक सैनी जिला मंत्री, आज हिंदू योद्धा परिवार ने जो है हिंदू योद्धा परिवार के तत्वावधान में हिंदू योद्धा गौ माता गौशाला व नंदीशाला का जो है भूमि पूजन किया गया है। मैं आप लोगों के मीडियम के माध्यम से जो हिंदू धर्म के हमारे लोग हैं उनसे कहना चाहूँगा कि गाय हमारी माता है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। और जिस तरह से जब तक गाय दुधारू होती है तो पशु पालक जो होता है उसका पालन पोषण करता है, लेकिन जब वो दूध देना बंद कर देती है या फिर बीमार हो जाती है तो उसको ऐसी सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। कृपया करके ऐसा ना करें, क्योंकि एक जिस तरह से हमारे बच्चे होते हैं अगर वो बीमार हो जाए, हमारे बूढ़े माँ बाप हो जाए, जिस तरह से हम उनको नहीं छोड़ सकते घर से बाहर, इसी तरह गाय को भी मत छोड़ें। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ और साथ ही बताना चाहता हूँ कि इस तरह की कहीं भी कोई गाय या गोवंश या नंदी महाराज आपको मिले तो हमारी गौशाला में पहुँचाने का कार्य करें। हम उनको अपने पास रखेंगे, चारे की व्यवस्था करवाएंगे, उनके रहने की व्यवस्था सब हमारे पास होगी। अभी हाल फिलहाल जो हम मुहिम चला रही है, जो रेडियम रिफ्लेक्टिव टेप का जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, उसमें हमने एक आकलन किया है कि जिला सहारनपुर के अंदर 450 से ज़्यादा जो है गाय माता गौवंश और अपना नंदी महाराज जो है खुले आसमान के नीचे सड़कों पर घूम रहे हैं। उन लोगों की उन चीज़ों की व्यवस्था देखते हुए हमने जो है गौशाला का निर्माण यहाँ पे जो है आज शुरू प्रारंभ किया है, जिसमें हम यहाँ पर सभी जो है नंदीशाला और गौशाला दोनों मिक्स कार्य कर रहे हैं। और आप लोगों से यही हमारी प्रार्थना है कि कहीं भी कोई ऐसी गाय दिखे जो सड़क पर भटक रही हो, बीमार हो या कुछ भी किसी भी तरह से हो, हम लोगों तक पहुँचाने का कार्य करें, हम उनका पालन पोषण अच्छे से करें।